अच्छे दिन का वादा करके ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। अच्छा दिन तो आ गया। और 2014 के बाद आज तक अच्छे दिन का शायद ही इन्होंने इस जुमले का प्रयोग किया हो। आम आदमी का घर छोड़िए, सांसदों तक का घर छीना जा रहा है यहाँ पे, ये सच्चाई है। एक बार सिलेंडर रिफिल कराने में भी उनकी नानी याद आ जाती है, जेब पे इतनी डकैती डाली जा रही है। माननीय श्री राघव चड्ढा जी, माइक। अच्छे दिन का वादा करके ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। अच्छा दिन तो आ गया। और 2014 के बाद आज तक अच्छे दिन का शायद ही इन्होंने इस जुमले का प्रयोग किया हो। 2019 के चुनाव से पहले एक वादा जरूर किया, एक और ख्वाब दिखाया देश की जनता को कि हम एक न्यू इंडिया बनाएंगे, और 2022 जब भारत देश की आज़ादी को 75 साल हो जाएंगे तो अमृतकाल आएगा, न्यू इंडिया आएगा और हम ये बड़ी चीज़ें करेंगे। अब 24 का चुनाव आ गया, कम से कम 24 के चुनाव से पहले जो न्यू इंडिया का वादा था और 25 बड़े वादे जो इन्होंने किए थे कि हम 2022 तक ये हासिल कर लेंगे, उसका आकलन होना चाहिए। आज मैं वादा बनाम वास्तविकता की, वादा बनाम सच्चाई की पूरी सूची लेकर आया हूं और आपके सामने रखना चाहूँ। पहला वादा था कि 2022 तक भारत देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। आज हम सच्चाई ये है कि उस वादे से बहुत कोसों दूर है, और सवाल ये नहीं है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर सरकार अपनी उंगली भी ना उठाए तो भी हम बन जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि बनेंगे कब, 2027 में, 28 में या 30 में। लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरा वादा किया कि हर भारतीय के पास एक बैंक अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पेंशन और रिटायरमेंट प्लानिंग सेवाएं होंगी 2022 तक। सरकार की अपनी रिपोर्ट ये बताती है, सच्चाई दिखलाती है, इकोनॉमिक सर्वे 2022 की, कि हर 100 लोगों में मात्र 3 लोग ऐसे हैं, मात्र 3 लोग जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस है, और हर 100 लोगों में मात्र एक आदमी, एक औरत ऐसी है जिसके पास अतिरिक्त इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस छोड़कर है, यह सच्चाई है। जनधन योजना में अकाउंट तो खुलवा लिए, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, कभी मुड़कर उन अकाउंट्स की ओर भी देखा कि कितने खाते खाली हैं, कितने अकाउंट डोरमेंट हो गए। तीसरा वादा जो इन लोगों ने किया था वो था कि किसानों की आय को 2022 तक दुगना कर देंगे। अब इस वादे की बात भी नहीं करते मैम, और आय तो छोड़िए, किसान का कर्जा दुगना करने का काम पिछले 5 सालों में सरकार ने किया। पिछले 18 क्वार्टर्स की सबसे लोएस्ट ग्रोथ एग्रीकल्चरल सेक्टर में इस क्वार्टर में देखी जा रही है, जो चौंका देने वाले आंकड़े हैं। चौथा वादा जो किया था वो था कि 2022 तक हर भारतीय के पास अपना घर होगा। सच्चाई आप जानती हैं कितने भारतीयों के पास अपना घर है। घर तो आम आदमी का घर छोड़िए, सांसदों तक का घर छीना जा रहा है यहाँ पे, ये सच्चाई है। पांचवा वादा किया था, हर भारतीय के पास 2022 तक शौचालय होगा, यानी कि एक्सेस टू टॉयलेट होगा। अगर ये वादा पूरा हो गया होता तो ओपन डेफिकेशन भारत में बढ़ता नहीं, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट ये नहीं बताता कि लगभग 20% इंडियन हाउसहोल्ड्स आज ऐसे हैं जो बिना टॉयलेट फैसिलिटी के जी रहे हैं, और जहां जहां एक कमरे का नाम के वास्ते टॉयलेट बना भी दिया वहां पानी का सप्लाई नहीं पहुंचा, सिर्फ इमारत खड़ी हो गई। छठा वादा किया कि 2022 तक हर भारतीय के पास 24 घंटे सातों दिन बिजली होगी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को छोड़कर किसी एक सूबे में भी अगर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आती है भारत देश में, तो मैं चुनौती देता हूं सरकार के मंत्री मुझे बताएं आज 24/7 इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के गांव जाने की आवश्यकता नहीं है मैम। नोएडा चले जाइए और बताइए अगर नोएडा में भी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देने का काम 2022 तक इन लोगों ने पूरा किया हो, आज भी घंटों घंटों के पावर कट लग रहे हैं। सातवां वादा, एवरी हाउस होल्ड विल हैव LPG सिलेंडर, 2022 तक हर घर के पास LPG सिलेंडर होगा। वास्तविकता यह है कि LPG के प्राइस बढ़ गए, सब्सिडी बंद हो गई, और उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी थे आज वो एक बार सिलेंडर रिफिल कराने में भी उनकी नानी याद आ जाती है, जेब पे इतनी डकैती डाली जा रही है। आठवां वादा था, एवरी इंडियन इन रूरल एरियाज विल हैव अ वाटर कनेक्शन बाय 2022। मैडम जस्ट लेट मी कंप्लीट। सांसद जी, डकैती शब्द सुबह पर, अच्छा मैं उसको विड्रॉ करता हूँ, आठवां डकैती शब्द को विड्रॉ करता हूँ। आठवां वादा था, हर भारतीय के पास जो ग्रामीण इलाकों में रहता है 2022 तक अपना पानी का कनेक्शन होगा।
सरकार के खुद के मंत्री ने अप्रैल 2023 में राज्यसभा के पटल पर जवाब देते हुए बताया कि 40% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों, रूरल हाउसहोल्ड्स के पास आज भी टैप वाटर सप्लाई नहीं आता, नलके में पानी नहीं आता, ना नलका है ना पानी है। आगे चलता हूं, 9वां वादा सरकार ने किया था कि 2022 तक भारत देश मैल न्यूट्रिशन मुक्त हो जाएगा, यानी कि कुपोषण भारत देश से 2022 तक खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सच्चाई यह है कि आज चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन में भारत देश दुनिया के मुकाबले सबसे खराब स्थिति में खड़ा हुआ है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताती है कि 121 देशों में भारत की रैंकिंग 107-108 पे खड़ी हुई है। यह स्थिति है, 74% भारत देश की आबादी हेल्दी फूड अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी कि लगभग 100 करोड़ के आसपास लोगों के पास इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन पहुंच रहा है, यह सच्चाई है। 10वां वादा किया कि हर ग्राम पंचायत के पास अपना फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होगा 2022 आते आते। सच्चाई यह है कि आज तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की जो स्थिति रूरल एरियाज में है उसका एक जायजा भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले ले तो पता लग जाएगा, लगभग 65% आबादी हमारे देश के गांव में बसती है मैम, लेकिन वहां ब्रॉडबैंड इंटरनेट अभी तक ग्राम पंचायतों के पास नहीं पहुंचा। 11वां वादा किया था कि 100% डिजिटल लिटरेसी 2022 तक आ जाएगी। सच्चाई यह है कि NSSO का डेटा आपको बताएगा कि अभी आप अपना आधा लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाए हैं। 12वां और बड़ा दिलचस्प वादा, 2022 तक बुलेट ट्रेन दौड़ेगी हिंदुस्तान की सड़कों पे। अब तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाजपा का नारा है बुलेट ट्रेन में बिठाएंगे, देश की सैर कराएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आगे चलता हूं, 13th प्रॉमिस जो भारत सरकार ने किया था अपनी रिपोर्ट के माध्यम से वो ये था कि 2022 तक रेल दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या को हम शून्य कर देंगे, यानी कि एक भी मौत नहीं होगी। इसी साल हमने वो त्रासदियां देखी उड़ीसा में, बालासोर में, आंध्र प्रदेश में, जिसने हमारी आंखें खोल के रख दी, हमारी आत्मा को झंझोड़ दिया जो हालात रेल दुर्घटना से हमारे सामने आए। 14वां वादा किया था कि ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल डबल बाय 2022, लगभग 14% के आसपास हम ला के खड़ा करेंगे। 14% तो छोड़िए, पिछले दो वित्तीय वर्षों से 5 या 6% पे हम मंडरा रहे हैं, RBI का अपना खुद का टारगेट 6.5% पर है। 15वां वादा कि 20 मेडिकल फ्री जोन्स बनाएंगे टू अट्रैक्ट मेडिकल टूरिज्म, सिर्फ वादा था, कोई डिलीवरी नहीं। 16वां वादा किया, 100 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेंगी अंडर डेवलप्ड इलाके में, सिर्फ वादा था, कोई काम नहीं किया। 17वां वादा था, 10 नए इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट बनेंगे जहां पे एंटरप्रेन्योर्स, डिजाइनर्स लिव वर्क एंड प्ले की नीति के तहत काम कर पाएंगे, सिर्फ वादा था, कोई काम नहीं किया। 18वां वादा, मैनुअल स्कैवेंजिंग से होने वाली मौतों को हम शून्य पर लाकर खड़ा कर देंगे, 2022 तक मैनुअल स्कैवेंजिंग विल बी इरेडिकेटेड। सच्चाई यह है कि मंत्री जी खुद अपने जवाब में सदन में बताते हैं कि पिछले 5 सालों में 339 डेथ सेप्टिक टैंक्स में हुई, और 2022 अकेले वर्ष में 66 रिपोर्टेड डेथ्स मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से हुई, न जाने कितनी अनरिपोर्टेड डेथ्स हैं, उनका तो आंकड़ा ही नहीं है। 19वां वादा कि प्रपोर्शन ऑफ फॉर्मली स्किल्ड लेबर टू वर्कफोर्स हम बढ़ाकर 15% कर देंगे। सच्चाई यह है कि 2023 खत्म होने को आ रहा है, 15% तो छोड़िए फॉर्मली स्किल्ड लेबर, हम आज 5% पे मंडरा रहे हैं, जहां UK में यह आंकड़ा 68%, जर्मनी में 75%, US में 52%, जापान में 80% है, भारत देश 5% के आसपास खड़ा हुआ है। 20वां वादा किया था कि नई नौकरियां देंगे, 3 million जॉब्स इन हेल्थ केयर, 40 million जॉब्स इन टूरिज्म, 5 million जॉब्स इन माइंस एंड मिनरल्स। नौकरी की तो जितनी बात करी जाए उतनी कम है, मिलने की बजाय नौकरियां जा रही हैं। 21वां वादा, सिंगल प्लास्टिक यूज बैन हो जाएगा 2022 तक, नोटिफिकेशन लाकर बैन तो कर दिया, लागू कितना हुआ यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। 14 million टन प्लास्टिक इस साल भी हिंदुस्तान में यूज किया गया। 22वां वादा, बस समाप्त कर रहा हूं, इंपोर्ट जो है क्रूड ऑयल के और गैस के वो 10% से घटा दिए जाएंगे 2022 आते आते। 10% तो छोड़िए, क्रूड ऑयल की जो हमारा बिल है इंपोर्ट बिल, उसके चलते वो डबल हो गया, गैस क्रूड सबकी इंपोर्ट्स भारत देश में बढ़ते जा रहे हैं। 23वां वादा, 23वां वादा
कि नेशनल हाईवे की लेंथ को बढ़ाकर हम 2 लाख किलोमीटर कर देंगे। सच्चाई यह है कि 2 लाख किलोमीटर तो छोड़िए, 30 नवंबर 2022 को गवर्नमेंट का अपना आंकड़ा बताता है कि हम लगभग 1,44,000 किलोमीटर के आसपास खड़े हैं, यानी कि इस वादे में भी फेल हो गए। 24वां वादा बड़ा दिलचस्प है, सुनिएगा आप, नो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड PM2.5 लेवल्स विल कम डाउन बाय 50 to by 2022, यानी कि 50 से नीचे आ जाएगा PM2.5 का लेवल। सच्चाई यह है कि आज भी पूरा उत्तर भारत गैस चेंबर बना हुआ है, केवल दिल्ली चंडीगढ़ नहीं, लखनऊ वाराणसी में भी वायु प्रदूषण है। सरकार को इसका समाधान ढूंढना चाहिए। और 25वां और आखिरी वादा किया था कि वी विल अचीव अ डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो ऑफ एटलीस्ट 1:1400 एंड अ नर्स पॉपुलेशन रेशियो ऑफ एटलीस्ट 1:1500। ये वादा पूरा करने में भी फेल रही। सच्चाई ये है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो या CHCs हो, इन सब में डॉक्टर्स नर्सेज की शॉर्टेज है। बढ़ाना तो दूर, जो ज्यादा जो एग्जिस्टिंग सेंटर्स हैं उसमें भी आज फोर्स नहीं। और आखिरी में अंत में बस इतना कहूंगा कि 25 वादे सरकार ने करे थे कि ये बड़े वादे हम 2022 तक पूरे करेंगे, इन 25 में से एक वादा भी पूरा नहीं किया। अब क्या मुंह दिखाकर ये 2024 में लोगों से वोट डालने जाएंगे? कोई साधारण आदमी अगर वादा कर वादा खिलाफी करता है तो उस पर कार्रवाई होती है, उस पर पर्चा दर्ज हो जाता है, 420 की धाराएं लग जाती हैं। जब सरकार वादा कर मुकरती है तो जनता की अदालत उसका फैसला करेगी। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।